हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास फोर्थ से एमसीक्यू, जिसमें मैं तीन चैप्टर्स को इंक्लूड करूँगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लोरिंग विंडो 10 एंड एडिटिंग इन एमएस वर्ड 2010। साथ ही पेरेंट्स, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, अगर आप कंप्यूटर टीचर हैं या फिर खुद ही अगर अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने अपने वीडियो में क्लास फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के सीबीएसई के अकॉर्डिंग सारे बुक्स को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किए हैं। साथ ही उनके एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर डाले हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर अवश्य देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं सीरियल वाइज सारे क्लास के कंप्यूटर्स के चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करके उसके एमसीक्यू डाल रही हूँ, तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए टच स्क्रीन, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी नन। इनपुट डिवाइस है ऑप्शन ए टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, जॉय स्टिक इज यूज फॉर, जॉय स्टिक का हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ए टाइपिंग के लिए, बी प्रिंटिंग के लिए, सी प्लेइंग गेम्स के लिए, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्लेइंग गेम्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंटेड आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रिंटेड आउटपुट को कहते हैं ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, बी सॉफ्ट कॉपी, डी सी नॉर्मल कॉपी, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइस इज नॉट यूज फॉर प्रिंटिंग, इनमें से कौन सा डिवाइस प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं होता है, ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, बी प्लॉटर, सी मॉनिटर, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 5, इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड एंड वॉइस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन से डिवाइस को हम कंप्यूटर सिस्टम में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए माइक्रोफोन, बी वेब कैम, सी स्पीकर, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 6, अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ, फाइल कलेक्शन है ऑप्शन ए नंबर्स, बी डाटा, सी सिंबल, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डाटा। क्वेश्चन नंबर 7, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए फाइल्स, बी डाटा, सी इमेज, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर एट विच प्लेस, डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, ऑप्शन ए माय कंप्यूटर, बी माय डॉक्यूमेंट, सी रिसाइकल बिन, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की कॉपी कमांड का है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस वी, सी कंट्रोल प्लस पी एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10, मूविंग ऑफ द फाइल और फोल्डर मीन्स, ऑप्शन ए कॉपी, बी कट एंड पेस्ट, सी डिलीटेड, डी नन। फाइल या फोल्डर को मूविंग करने का मतलब होता है ऑप्शन बी कट पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रिसाइकल बिन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द विंडो, विंडो में रिसाइकल बिन हमेशा
उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, बी आइकॉन, सी टेस्कबार एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन विंडो में हमेशा डेस्कटॉप पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते हैं उसे हम जानते हैं। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, बी आइकॉन, सी फाइल, डी फोल्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आइकॉन। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उन्हें हम आइकॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटिंग। इनमें से कौन टेक्स्ट एडिटिंग नहीं है? ऑप्शन ए इंसर्टिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी डिलीटिंग एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एडिटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। फॉर सेलेक्टिंग अ वर्ड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन द वर्ड। एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट माउस बटन में वर्ड में हम क्या क्लिक करते हैं? ऑप्शन ए सिंगल, बी डबल, सी ट्रिपल, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डबल। एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को क्लिक करने के लिए माउस के लेफ्ट साइड को हम दो बार क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग द टेक्स्ट मीन्स का मतलब होता है ऑप्शन ए कटिंग, बी कॉपिंग, सी पेस्टिंग, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11। रिसाइकिल बिन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द विंडो। विंडो में रिसाइकिल बिन हमेशा उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, बी आइकॉन, सी टेस्कबार एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन विंडो में हमेशा डेस्कटॉप पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 17। इन स्पेलिंग चेक वी गेट अ कलर वेवी लाइन। एमएस वर्ड में जब हम कंप्यूटर्स में स्पेलिंग को चेक करते हैं तो उसके लिए कौन सी लाइन आती है? रेड लाइन, बी ग्रीन, सी ब्लू, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेड लाइन। स्पेलिंग चेक करने के लिए रेड लाइन आती है एंड ग्रामेटिकल चेक करने के लिए ग्रीन लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 18। टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड इन एमएस वर्ड बाय यूजिंग टू की। किसी भी टेक्स्ट को एमएस वर्ड में डिलीट करने के लिए हम दो की का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बैक स्पेस की एंड डिलीटिंग की। ऑप्शन बी बैक स्पेस की एंड होम की। ऑप्शन सी डिलीटिंग की एंड एंड की। एंड ऑप्शन डी होम की एंड डिलीटिंग की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बैक स्पेस की एंड डिलीटिंग की। क्वेश्चन नंबर आज के लिए यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।